मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम ने स्टाफ नर्स अस्पताल के स्टाफ के साथ फायर मॉक ड्रिल किया। दरअसल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट सहित अन्य उपकरणों से आग लगने की वजह सामने आती है, जिससे कई बार बड़े हादसे होते हैं। इस वजह से यहां अस्पताल के स्टाफ और नर्सेस के साथ ये मॉक ड्रिल की गई, जिससे पता चल सके और उन्हें वो प्रिपेयर्ड रहें। जो स्टाफ है, जब भी ऐसी कोई नौबत आई तो स्टाफ फुर्ती के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास करें। मैं अंजनी कुमार तिवारी, फायर स्टेशन प्रभारी, अग्निशमन आपातकालीन सेवा अंबिकापुर। किस प्रकार की यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी? जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से संबंधित यहाँ आग और बचाव से संबंधित बचाव प्रशिक्षण दिए जाने की हमको एक चिट्ठी विभाग के द्वारा भेजा गया था। आज हॉस्पिटल में जैसे कभी भी कोई आग लगता है या फायर, मोस्टली इलेक्ट्रिक बर्न अगर हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो कैसे उसको बुझाना है, उसके लिए आज नगर निगम के जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके द्वारा आके यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें बहुत सारे स्टाफ थे, नर्सिंग स्टाफ थे, कुछ डॉक्टर्स थे, जो गार्ड थे, फोर्थ क्लास वर्कर थे, कुछ स्टूडेंट नर्स थे और मोस्टली मैटरन सिस्टर थे, ऑफिस के स्टाफ थे। सबको सिखाया गया कि अगर आग लगती है तो आपको घबराना नहीं है, कैसे बचा जा सकता है और कैसे बचाना है, आपको कैसे बुझाना है, उसके लिए मॉक ड्रिल कराया गया।